हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे कि पीएचपी फाइल्स मैक मशीन पे कैसे रन करना है। तो पहले तो हमने जहाँ पे हमारा पीएचपी फाइल्स रखा है उस फोल्डर डायरेक्टरी में जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर्स में पीएचपी प्रोजेक्ट्स में इंडेक्स डॉट पीएचपी करके एक फाइल्स रखी हुई है। अगर ये फाइल्स हमने डायरेक्टली अगर कोई ब्राउज़र पर ओपन की, अगर मैंने सफारी में ओपन की या फिर क्रोम में भी ओपन की, तो आप रिज़ल्ट देखोगे कि कोई रिज़ल्ट नहीं, डायरेक्टली पीएचपी कोड दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर ये PHP कोड नहीं दिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए इसके ऊपर जो PHP प्रोजेक्ट्स फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करके पहले तो न्यू टर्मिनल उस फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो आप देखोगे कि इधर कि हम PHP प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टरी में आ गए हैं। तो उसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल कमांड है, PHP हाइफन कैपिटल S, और उसके बाद कुछ नहीं है। लोकल, क्योंकि लोकल होस्ट पे हमें रन करना है तो लोकल होस्ट लिख देंगे यहाँ पे, लोकल होस्ट कोलन 9000 पोर्ट है। ये पोर्ट को हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली PHP जो भी वर्जन्स आपके मैकबुक में अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, PHP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे PHP 7.3.24 ऑलरेडी है यहाँ पे और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अभी ये स्टार्ट होने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लोकली यहाँ पे यहाँ जाना HTTP:// लोकल होस्ट कोलन 9000। आप देखोगे कि अभी मेरे को उसका रिजल्ट आ गया। और अगर आपको PHP फाइल्स भी देखनी है तो उस PHP फाइल्स में आप देखोगे यहाँ पे मेरी PHP फाइल्स है। अगर ये PHP फाइल्स मैं कोई भी एडिटर में ओपन करता हूँ, मॉक में ओपन कर दिया समझो, तो देखोगे कि PHP कोड, सिंपल PHP कोड लिखा है, हेलो वर्ड लिखा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके एक और एक लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं, और अब जाके मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया। क्यों सिंटैक्स एरर आया? तो सिंटैक्स एरर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई सेमीकोलन रह गया था। तो अभी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ पे अभी आके यहाँ पे मैंने अगर चेक किया तो आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंड है। बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी मैंने ब्रेक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बट आप देखोगे कि PHP फाइल मैकबुक में रन होना स्टार्ट हो गई है। तो एक सिंपल मेथड है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल कमांड है। अगर इसको बंद भी करना है टर्मिनल्स को, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, बंद कर दिया, सिर्फ एक सिंपल कमांड है। क्या कमांड है? PHP स्पेस हाइफन S कैपिटल में स्पेस लोकलस्ट कोलर 9000 पोर्ट, और इसको रन करना है, ऑटोमेटिकली PHP स्टार्ट हो जाएगा और आपका PHP ब्राउज़र पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।